आज हम लोग समझते हैं मैथ क्लास नाइन्थ में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लेकिन को बहुत ही तंग करता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कि इधर आपको दे देगा ए और बी, इधर दे देता है बोलता है कि ए और बी का मान निकालिए, और सेकेंड टाइप की दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइप का सवाल है, बस थोड़ा सा का डिफरेंट है, इसमें काम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं, इसमें काम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को क्या करते हैं बारी बारी से हल करके ए और बी का मान निकालते हैं। देखिए अगर आपको नीचे रूट में रहे ना यरवा तो उसको सबसे पहले आप परिमेयकरण कीजिए, अगर प्लस में है तो माइनस में परिमेयकरण करेंगे और माइनस में है तो प्लस में परिमेयकरण करेंगे, तो नीचे तो प्लस में है तो माइनस में कर लेंगे, तो इसको ज्यों के त्यों लिखेंगे और परिमेयकरण निचला को होता है प्लस में है तो माइनस में, तो सेम चीज ऊपर रहेगा वही चीज नीचे रहेगा, क्योंकि परिमेयकरण में ऊपर नीचे सेम था कि कट के वही बात आ जाए, इधर जो रहेगा वही लिखते चलेंगे। अब देखो नहीं ऊपर सेम चीज है तो होल स्क्वायर ना हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम में गुना होता तो होल स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत है, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो पहले का क्या स्क्वायर माइनस दूसरा का क्या स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र ही ना होता है ए प्लस बी रूट तीन। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है तक। उसके बाद देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता था काट दिए तो दो का स्क्वायर चार, अब स्क्वायर से रूट कट गया तो तीन बचेगा, इधर क्या बचेगा मेरा ए प्लस बी रूट तीन। अब ध्यान दीजिए ये भी तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, दो का स्क्वायर चार होता है, दो दूनी चार रूट तीन प्लस कितना हो जाएगा ये तीन हो जाएगा, और नीचे तो एक बचेगा ए प्लस बी रूट तीन। अब चार और तीन तो जुड़ जाएगा कि इन लोग जात जात है, परिमेय परिमेय है ये तो भाई अपरिमेय है तो परिमेय परिमेय कभी जुड़ता नहीं, तो चार तीन सात हो जाएगा और चार रूट तीन, नीचे एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है ए प्लस बी रूट तीन। अब यहाँ पर लेकिन बहुत फंसता है, देखिए इधर भी परिमेय है अपरिमेय है, इधर भी परिमेय अपरिमेय है, तो परिमेय परिमेय के साथ इक्वल होगा और अपरिमेय अपरिमेय के साथ इक्वल होगा, देख रहे हैं, तो इसीलिए सात बराबर ए हो जाएगा, यानी ए का मान कितना आ गया मेरा सात आ गया। अब अपरिमेय को बराबर कर लेते हैं तो चार रूट तीन बराबर बी रूट तीन, अब रूट तीन से रूट तीन कट जाएगा इसीलिए बी बराबर मेरा कितना आ गया माइनस चार। अब चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देख रहे थे कि रूट थ्री रूट तीन कट जाएगा तो बी का मान माइनस चार हो जाएगा, इतना बात समझ में आ गया। अब इसी तरह का काम इसमें हम लोग करेंगे तो कर लेते हैं। अब देखो जी अगर दोनों सेम निचलन सेम है बस प्लस माइनस, इसमें भी परिमेयकरण आप कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले जाने से ले लेने से भी काम हम लोग का हो जाएगा, तो रूट पाँच प्लस वन और दोनों अलग अलग चीज़ है तो एलसीएम तो गुना होकर ले आएगा रूट पाँच माइनस वन। अब देखिए ना दोनों को गुना करके आप एलसीएम लेते हैं तो इसको इसमें गुना कर देंगे, इसमें को इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट पाँच माइनस वन के होल स्क्वायर प्लस, और इसको इसको गुणा कर लेंगे तो रूट पाँच प्लस वन का होल स्क्वायर, क्लियर है। इधर तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, इधर लिखते चलते हैं हम लोग। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए और इसको तोड़िए ए प्लस बी के तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा, अब क्या लिखाएगा तो देखिए नीचे तो ये प्लस में है और माइनस में है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पर होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा मेरा इधर वही बचेगा, हम नीचे लिख देते हैं ए प्लस बी रूट पाँच बचेगा, क्लियर है। अब ये स्क्वायर से रूट कटेगा ये भी स्क्वायर से रूट कटेगा, देखिए ये दोनों सेम चीज़ वहाँ है प्लस में माइनस में तो काट देते हैं, अभी बच क्या गया तो पाँच प्लस एक क्या स्क्वायर एक, और यो पाँच बचेगा प्लस एक क्या स्क्वायर एक बटा क्या बचा ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो पाँच माइनस वन, इन्हें मेरा बचा हुआ ए प्लस बी रूट पाँच, क्लियर है। और फिर अब जोड़िएगा ना यार वाह तो बारह हो जाएगा तो बारह बटा चार बराबर ए प्लस बी रूट पाँच, ये कट के कितना आ जाएगा तीन आ गया मेरा तीन बराबर ए प्लस बी रूट पाँच। अब इधर तो भैया लफड़ा हो गया, एने परिमेय भी है और अपरिमेय है लेकिन एने खाली परिमेय है तो यार वाह हम ऐसे लिखे में कोई हरज तो ना है, ऐसे लिखने में क्या जाता है यार जीरो से गुना करके रूट पाँच से जीरो लिखने से जीरो गुने रूट पाँच तो जीरो में ना है और तीन में जीरो से कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी अब हम लोग मिला सकते हैं कि ए बराबर तीन होगा। अब ऐसा सोचो ना अगर परिमेय इधर है और इधर परिमेय तो परिमेय परिमेय वाला को बराबर कर लिए, अपरिमेय वाला इसमें नहीं है मतलब जीरो है, अपरिमेय वाला एने ना है उसका मतलब जीरो है, तो इससे भी समझ सकते हो रूट पाँच बराबर है तो बी का मान कितना हो जाएगा तो बी का मान जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का रहेगा निश्चित तौर पर रहेगा तीन नंबर के। आप ठीक है फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट